90% से ज़्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं, और वे वहीं पर अटक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखिए, नहीं तो वे आपको नियंत्रित करेंगे। मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ। बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं, आज बुरा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में पता चलता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। गलतियाँ इस बात का सबूत है आप प्रयास कर रहे हैं। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने मन को टिकाना आ गया तो फिर इंटरेस्टिंग जगह तो बस खेल है। आपको पावरफुल बनना है इसलिए नहीं आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको ना दबा सके। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो मन करे करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। आज मैं जो कुछ हूँ अपने फेलियर्स की वजह से हूँ। जैसे ही आप किसी चीज की बुराई कर रहे हो, या किसी से जलसी कर रहे हो, या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील करने के लिए, तो आप और नीचे गिरते जा रहे हो। पैसा उतना ही जरूरी है जितना कार में पेट्रोल, ना कम ना ज्यादा। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। अगर मेरे जैसा लड़का जो दब्बू था, जो शर्माता था, वो अगर स्टेज पे आकर बोल सकता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने खेल के पक्के खिलाड़ी। सक्सेस ये एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस ये बैड एक्सपीरियंस से। लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में होती है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है मेरे लिए, शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। उस तरह का इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वो बन ही जाते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाते हो। कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, अगर उससे ये कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ दे, उसकी उम्मीद को तोड़ दे, एक बहुत बड़ा पाप है। कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हो और उस काम को कर ले, उसे सफलता कहते हैं, और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक उसे असफलता कहते हैं। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। अरे जो सोए हुए हों, डरे हुए हों, बैठे हुए हों, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजायर चूज करो। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आप किसी भी असफल इंसान के पास चले जाएं, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से अपनी लाइफ में फेल हुआ, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विनर के पास चले जाएं, तो उसके पास भी हजार वजह होंगी कि होंगी ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वे कर जाएगा। किसी इवेंट में असफलता का मतलब जीवन में विफलता नहीं है, एक घटना का अंत जीवन का अंत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाना आप सही रास्ते पे हैं।
अगर आपके पास में उतना मिल गया है जितना आपको चाहिए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको शेयर करना शुरू कर दो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, जो जिस खुशी की बात मैं कर रहा हूँ उसके आसपास तो जाना दूर की बात है, उसकी आप झलक भी नहीं देख पाएंगे। केवल इच्छा से कुछ नहीं बदलता है, निर्णय करने से कुछ बदल सकता है, लेकिन आपका एक अटल निश्चय सब कुछ बदल सकता है। शिक्षा केवल ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये सीखने के बारे में अधिक है। असफलता अनुभवों से आती है, अनुभव बुरे अनुभवों से आते हैं। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपके जीवन को बदल देगा, तो आईने में देख लें। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप हार नहीं जाते। जब कोई आपसे ये कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वे आपसे केवल ये कहना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर के लोगों से क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप अपने अंदर से क्या सोचते हैं। आप या तो एक बड़ी छतरी के नीचे खड़े हो जाओ, या आप वे शक्तिशाली छतरी खुद बन जाओ। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, एक स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए। इसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वे कम्युनिकेशन स्किल है। फियर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। जिस काम से डर लगता है उसे कर दो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपके जीवन की जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वे अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। जब पूरी दुनिया को लगे कि आप फेल हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं हो, और फिर आप कुछ ऐसा कर जाओ कि इस पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ, इसे कहते हैं सफलता। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे और लाखों लोग आएंगे। सामने कोई और पागल होगा जो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है। झूठ पर आधारित उन सभी मान्यताओं को बनने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन टूटने में एक सेकंड का समय लगता है। यदि हम बोरिंग चीजों पर ध्यान देना जानते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीजों पर ध्यान देना आपके लिए सिर्फ एक खेल है। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफ ना किया जा सके। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पहले आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया, वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उड़ जाएगा। अपने विचारों से खुद को अलग करने की क्षमता स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका है। मुस्कान हमेशा फैशन में रहती है। दिमाग से काम करना तो सभी जानते हैं, लेकिन दिमाग के ऊपर काम करना बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए, तो आपको दिमाग के ऊपर काम करना होगा। आप तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक आप अपने मन को नहीं समझते। लोग आपको वही कहेंगे जो वे खुद हैं, ना कि जो आप हो। विचार से मुक्त हो जाना ही असली एनर्जी का स्रोत है। अगर आप विचार से मुक्त हो गए, तो आप असल एनर्जी का स्रोत बन जाओगे।